तो दोस्तों आज हमने ये लेपर्ड का टैटू बनाएंगे। ये जगुआर है और इसके नीचे एलिफेंट है और प्लस एक ट्री है, इसको बनाएंगे। इसके लिए हमने पहले प्रिंट आउट निकाल लिया है और उसका स्टेंसिल जो है मैनुअल बनाएंगे। बेसिकली जो स्टेंसिल है मैं इसका प्रिंट आउट जो है प्रिंटर से निकाल सकता था लेकिन नहीं निकाल रहा हूँ। इसका स्टेंसिल जो है मैं मैनुअल बनाऊँगा और किस तरीके से बनाता हूँ ये छोटे सा मैं आपको इसको एक डैमो दिखा रहा हूँ किस तरीके से जो है मैं स्टेंसिल बनाता हूँ। नीचे का जो सरफेस है वो हार्ड होना चाहिए हमेशा, ये ध्यान रखिएगा आप। सरफेस जितना अच्छा होगा हार्ड होगा और पेन जो है आपका जितना पतला होगा उतना सही रहेगा। ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है, उतना ही आप डिटेल दें जितना कि आप समझ पाए। ऐसा ना हो कि आपने बहुत सारी डिटेल दे दी है स्टेंसिल बनाने में और बाद में जो है आपको दिक्कत आ रही है, आप जो है स्टेंसिल को समझ ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए जितना आप स्टेंसिल को समझ पाए उतना ही डिटेल दीजिए। मैं जिनका ये टैटू बनाने जा रहा हूँ उनकी स्किन काफ़ी डार्क है और डार्क स्किन पे ज़रा काम करने में दिक्कत आती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो है वो होएगा होएगा। थोड़ा हमें डिटेलिंग थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि हम कितनी डिटेल दे सकते हैं डार्क स्किन पे। बहुत ज़्यादा डिटेल देंगे तो भी दिक्कत होएगी और कम देंगे तो भी दिक्कत होगी, एक मीडियम डिटेल लेकर चलना पड़ता है। तो डार्क स्किन में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि हमें बार बार स्किन को साफ़ करना पड़ता है, बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो चलिए स्टेंसिल तो प्लेस हो चुकी है, मैं आपको अपना सेटअप दिखा देता हूँ। ये 3 इंक का सेटअप है, बाकी नीडल जो है RL9 है, Magnum 9 है और RS9 है। तो ये मेरा सेटअप है, क्योंकि स्किन डार्क है इसलिए ज़्यादा जो है इसके अंदर डिटेल मैं नहीं दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है RL9 से मैं यूज़ कर रहा हूँ और उससे लाइनिंग का काम कर लेते हैं। वीडियो में ज़्यादातर जो है फास्ट फॉरवर्ड में ही दिखाऊंगा, कुछ जगह पे जो है स्लो करके दिखाऊंगा किस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ। उसके बाद आप फाइनल रिजल्ट देखिएगा और देख के बताइएगा कि कैसा जो है ये टैटू बना है, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
तो दोस्तों ये टैटू का फाइनल रिजल्ट है, देख के बताइएगा कमेंट में कि किस तरीके से और कैसा बना है और अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है।